दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का जो अभी पीटी हो रहा है। बहुत लोग का पीटी हो गया है, इसके बाद पीटी बहुत लोग का बचा हुआ है। तो इसके बाद आपका फाइनली जो फोर्स वाइज कट ऑफ कितना हो सकता है, फोर्स वाइज मतलब कि आपको कौन से कितने नंबर पे कट ऑफ के बाद, दोस्तों कट ऑफ के बाद कितने नंबर पे कौन सी पोस्ट मिलेगी। जिस हिसाब से पीटी में लोग क्वालिफाई हो रहे हैं, टोटल 10 में से मैं एक-एक चीज आपको बता रहा हूं कि फॉर एग्जांपल अगर 100 लोग, 400, 500 लोग जा रहे हैं तो उनमें से कितने लोग सेलेक्ट हो रहे हैं पीटी में, जो हाल ही में हो रहे हैं गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए। तो पहले मैं उसकी हल्की सी डिस्कस करता हूं, फिर बाद में फोर्स वाइज कट ऑफ उसी अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एसएससी जीडी से रिलेटेड जो भी पल पल इंफॉर्मेशन है मैं सबसे पहले देने की कोशिश कर रहा हूँ। और दोस्तों साथ में ये भी बता रहा हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम का चैनल है। उस टेलीग्राम चैनल को क्या करना है, आपको ज्वाइन कर लेना है, जिससे कि आने वाली जो भी एग्जाम है, ठीक है, एसएससी जीडी के बाद भी आप कोई ना कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो वहां आप रेलवे वेलवे ग्रुप डी की वहां आप जुड़ जाइए, वहां आपको मैं फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। तो अब देखते हैं कि क्या पोजीशन है। दोस्तों आपको पता है कि आप एक स्टूडेंट है, ठीक है, एक स्टूडेंट है, उसको 10 गुना लोगों को लिया गया है, मतलब एक सीट पे, मैं इसको बता देता हूं, एक सीट पे दोस्तों 10 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो हल्की सी थोड़ा मैं इंफॉर्मेशन बता रहा हूं आपको, जो रिसेंटली पीटी में हो रहा है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में, दोस्तों क्या हो रहा है कि जैसे कि 10 लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 लोग हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10 लोग हैं, 10 लोगों में क्या हो रहा है कि लगभग दोस्तों 2 लोग एबसेंट हो रहे हैं, ठीक है, 20% लोग एबसेंट हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें से दोस्तों ऐसा हो रहा है कि एक स्टूडेंट ऐसा है जो हाइट हो गया या चेस्ट हो गया उससे बाहर हो रहा है, ठीक है। अब बचा कितने, सेट 7। तो दोस्तों 7 जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, बचे 10 में से 10 स्टूडेंट है, मतलब एक सीट को मैंने 10 स्टूडेंट को कंसिडर कर लिया है, एक एग्जाम्पल की तरह मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें से 7 स्टूडेंट जो दोस्तों हैं, 7 स्टूडेंट में कितने लोग क्वालिफाई कर रहे हैं रनिंग में, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों 7 स्टूडेंट जैसे हैं, तो 7 स्टूडेंट में ऐसा हो रहा है कि 50% लोग बाहर जा रहे हैं, ठीक है, 50% बाहर जा रहे हैं। मतलब कि अगर मैं इसको 3.5 मान लेता हूँ, नियरली इसको मैं बहुत हद है तो 4 मान लेता हूँ, ठीक है। मतलब कि अगर आप 10 हैं तो 10 में से दोस्तों आप देखिए 3.5 से लेकर 4 स्टूडेंट तक लोग ही फाइनल तक जा रहे हैं, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई कर रहे हैं। तो अब बचा जो 4 स्टूडेंट हैं, तो 4 स्टूडेंट में दोस्तों ये होने वाला है कि एक स्टूडेंट मेडिकल में बाहर जाएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। एक स्टूडेंट ऐसा होगा जो मेडिकल से बाहर जाएगा, तो बचेगा कितना दोस्तों, 3 स्टूडेंट। तो आपका जो फाइनल कंपटीशन है एक सीट पे दोस्तों फाइनली क्या होने वाला है कि 3 स्टूडेंट लोग फाइट कर रहे हैं, ठीक है, फाइनली ये रिजल्ट आने वाला है। इस चीज को आप बिल्कुल एग्री कर रहे होंगे, ठीक है, इस चीज को आप बिल्कुल एग्री कर रहे हैं कि 3 स्टूडेंट लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। जिनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो रहा है उनको पता होगा, और जिनका नहीं हो रहा है वो इस वीडियो से जानकारी ले लें, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसका फाइनली कट ऑफ कितना असर करेगा। तो मैं हल्का सा थोड़ा आपको कट ऑफ के बारे में बता देता हूँ कि जितना आपका दोस्तों नंबर आ रहा है कट ऑफ, उससे मान के चलिए कि दोस्तों 3 नंबर अगर ज्यादा आ रहे हैं, 3 नंबर में कह लूँ, 4 नंबर कह लूँ, 5 नंबर कह लूँ, ठीक है, 3, 4, 5 नंबर अगर आ रहे हैं तो समझ लीजिए आप सेफ हैं, ठीक है, 3 नंबर, ठीक है, 2 नंबर जिनका कट ऑफ से, दोस्तों अब मैं आपको बता रहा हूँ, 3 नंबर में बोल रहा हूँ जिनका हाई स्टेट है कट ऑफ जोन का, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, लेकिन जैसे आसाम हो गया, आप देख सकते हैं आसाम हो गया, साउथ इंडियन हो गए, ठीक है, वहाँ कितना है, वहाँ दोस्तों 2 नंबर, 2 मार्क्स नंबर, आप समझ लीजिए कि अगर आपके कट ऑफ से ज़्यादा आ रहे हैं तो आपके सिलेक्शन होने के बहुत बहुत ज़्यादा चांस है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% सिलेक्शन हो जाएगा, चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, चांसेस बहुत ज़्यादा है।
अब एक नंबर जिसका आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो यूपी बिहार से रिलेटेड है या राजस्थान और क्या कहते हैं जो हाई कट ऑफ जोन है हरियाणा से रिलेटेड है, वहाँ एक नंबर में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बाकी 3 नंबर आप 3 से 4 नंबर में आप सेफ हैं, ठीक है। लेकिन अब हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं कि फाइनली कट ऑफ कितना होने वाला है, ठीक है, फाइनल फोर्स वाइज कट ऑफ कितना होने वाला है। तो फोर्स वाइज कट ऑफ दोस्तों डिपेंड करता है, पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, फोर्स वाइज कट ऑफ जो होता है वो डिपेंड करता है आपके प्रेफरेंस पे। प्रेफरेंस से मान लीजिए कि आपने BSF डाल दिया है, दूसरे में NIA डाल दिया है, ठीक है, तीसरे में मान लीजिए कि आपने क्या दे CISF डाल दिया है, ठीक है। अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मान लीजिए 10 मार्क्स आ रहे हैं कट ऑफ से, तो आपको BSF देंगे वो लोग, ये बात आप ध्यान रखिएगा, BSF देंगे, ऐसा नहीं कि CISF आपको देंगे, तो BSF दे सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपके दोस्तों, मान लीजिए कि आपके दोस्तों 10 नंबर है मान लीजिए, ठीक है, और आपने आपने मान लीजिए कि आपने डाल दिया है CISF, ठीक है, BSF को बाद में डाला है, तो अगर 10 नंबर में आपको CISF मिल रहा है तो आपको CISF वो दे देंगे, ठीक है। लेकिन अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे कि BSF में कितना नंबर होना चाहिए कि आपका निकल जाएगा। दोस्तों अगर आपके 3 से 4 नंबर आ रहे हैं तो आपको BSF मिल जाएगा, ठीक है, अगर आपने प्रेफरेंस हाँ BSF आप डाले हो, ठीक है, 3 से 4 नंबर आ रहे हैं तो इतना ही कट ऑफ जाएगा BSF का, क्योंकि सीट ज़्यादा है, क्योंकि सीट क्या है इनके ज़्यादा है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बचा CISF, CISF में दोस्तों क्या होने वाला है, अगर आपके 7 से 8 मार्क्स हैं तो आपको CISF मिल जाएगा कट ऑफ से ज़्यादा अगर आपके आ रहे हैं, ठीक है। CRPF में दोस्तों 2 से 3 मानिए, ठीक है, क्योंकि BSF के बाद CRPF का जो है सीट बहुत ज़्यादा है। SSB दोस्तों मैं आपको बता दूं, SSB बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है, तो SSB का आप ये मान के चलिए कि 6 से 7 नंबर पे आपको SSB मिल जाएगा। जो आसाम आसाम से हैं उनके मैं 6 से 7 बात कर रहा हूँ, जो यूपी से हैं उनका आप 8 से 9 मान के चलिए। ITBP की बात कर रहा हूँ, तो ITBP दोस्तों जो है इसका इसमें मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ दोस्तों, तो इसमें मैं थोड़ा SSB में थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, यहाँ हाँ 6 से 7 आपको मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ ITBP, तो ITBP में दोस्तों अगर 5 से 6 नंबर आ रहे हैं तो आपको ITBP मिल जाएगा। आसाम राइफल की बात कर रहा हूँ, आसाम राइफल में भी दोस्तों क्या हुआ है, आसाम राइफल में भी दोस्तों ये है कि 5 से 6 अगर आपके आ रहे हैं तो आपको आसाम राइफल मिल जाएगा। उसका कारण दोस्तों ये है कि आसाम राइफल और ITBP क्या है, इनकी भी सीटें थोड़ा कम है लेकिन ये बिल्कुल सिमिलर माने जाते हैं, ठीक है। SSB क्या है, थोड़ा अच्छा माना जाता है, CISF अच्छा माना जाता है। CISF में आपको पता है कि ये पब्लिक पब्लिक के लिए ज़्यादा होता है, जैसे कि आपने मेट्रो में देखा होगा, तो मेट्रो जितने भी बने हुए हैं, आप दिल्ली गए होंगे, कोलकाता गए होंगे, जो कोलकाता से बेंगलोर में गए होंगे, तो जहाँ मेट्रो है वहाँ दोस्तों क्या है, वहाँ क्या है CISF की ज्वाइनिंग होती है। और CRPF आपको पता होगा कि CRPF कहाँ होते हैं, CRPF जो नक्सली एरिया में होते हैं उनको CRPF मोस्टली पोस्ट मिलती है। BSF आपको पता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में दिया जाता है, और आसाम राइफल आपको पता ही होगा ITBP इंडियन तिब्बत बॉर्डर में इनको लगाया जाता है। NIA तो आपको पता है सबसे बढ़िया जॉब है, ठीक है। दोस्तों अब NIA और SSF कितने नंबर पे मिल सकता है, दोस्तों इसकी लगभग आपको पता है कि इसकी मान लीजिए 10 लगभग 10 सीटें हैं, तो इससे 8 गुना लोगों को बुलाया गया, 10 गुना लोगों को, 8 सीटें हैं, 8 सीटें हैं दोस्तों, 10 गुना लोग को बुलाया गया है, तो आप ये मान के चलिए कि 80 लोगों को इस सीट के लिए, इन दोनों के लिए बुलाया गया है, ठीक है। तो ये सेंट्रल होता है, ठीक है, सेंट्रल होता है, तो इसका दोस्तों कट ऑफ जो है बहुत ही हाई जाएगा। मतलब कि ये मान के चलिए कि अगर आप अपने स्टेट में टॉपर हैं, अगर आप टॉपर हैं अपने स्टेट के, हर स्टेट का अलग कट ऑफ निकल रहा है, तो नीचे से आप समझ लीजिए कि एक दो जो जितनी भी सीटें होंगी उस हिसाब से इसका कट ऑफ माना जाएगा, ठीक है, उस हिसाब से इसका कट ऑफ क्या होगा माना जाएगा। तो दोस्तों ये था कुछ कट ऑफ जो आपके लिए जानना जरूरी है, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मैसेज करिए, टाइम मिलेगा मैं जरूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, जो भी मैं वीडियो लाता हूँ बिल्कुल 100% करेक्ट लाता हूँ, जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन, उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिले। कोई डाउट है तो आप मेरे को जरूर कमेंट में बोलें कोई, ठीक है, कोई डाउट है। और अगर आपकी फिजिकल बचा हुआ है दोस्तों, अगर आपका फिजिकल है
तो मेरे को इतना बार मैसेज में जरूर बोल दीजिएगा कि हाँ सर अभी मेरा फिजिकल बचा हुआ है, तो ये जरूर मैसेज कर दीजिएगा एक बार, तो मुझे भी लगेगा कि कितने लोग का फिजिकल अभी बचा हुआ है। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मेडिकल तक, फाइनल तक, आपके डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन तक। ठीक है, तब तक मैं जो भी इन्फॉर्मेशन होगा मैं बिल्कुल 100% आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। और ठीक है दोस्तों, कोई डाउट हो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है दोस्तों, जरूर जुड़िए टेलीग्राम से, और उस वहां आप जुड़ के मेरे से पर्सनली आप वहां मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहां आपका जवाब नहीं दे पा रहा हूं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।